प्रथम तहलका न्यूज। जननायक जनता पार्टी ने खुद को मजबूत करने में सफलता हासिल की है, ये कहना है जननायक जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशान सिंह का। उनकी मां ने तो जेजेपी के संगठन का राष्ट्रीय स्तर पर निर्माण कार्य चल रहा है, वहीं जिला स्तर पर नियुक्तियां की जा चुकी है, जल्द ही ब्लॉक स्तर पर नियुक्तियां की जाएगी। सरदार निशान सिंह ने बताया कि पार्टी निर्माण करते वक्त उनका मुख्य केंद्र बिंदु चौधरी देवी लाल की जनहितैषी नीतियां रहती है, जो कि उनकी नीतियों में एकदम फिट हो रहा है। ये मान के चलें कि हमने राष्ट्रीय स्तर का जो संगठन है हमारा वो बनाया है काफ़ी हद तक, और जिला अध्यक्ष जो हैं उनकी नियुक्तियां दोबारा से की गई हैं। इसी के साथ जो हमारे सेल हैं उनमें लगभग 11-12 सेल हमने दोबारा से उनकी नियुक्तियां की हैं उनके अध्यक्षों की, और बाकी जो स्टेट लेवल का या बाकी सत्र उसका ब्लॉक सत्र का जिला सत्र का जो बाकी रह रहा है उसको बहुत जल्दी हम बनाने का काम करेंगे। देखिए पहले जो हमने संगठन बनाया था हमें बहुत कम समय मिला था, तो उस कम समय के अंदर बहुत सारे सही फैसले नहीं हो पाते, आनन फानन में उस वक्त हमने बनाया था। अब सही समय है कि इसको चौधरी देवीलाल की नीतियों के साथ जुड़े हुए जो लोग हैं, एक्टिव लोग हैं, जो सम्मानजनक लोग हैं समाज के अंदर, उनको मौका दिया जाए ताकि संगठन मजबूत बने और लोगों की सेवा में भी पूरी तरह से परफेक्ट हो। महिलाओं से जुड़े सवाल पर जवाब देते हुए उन्होंने बताया कि जननायक जनता पार्टी की प्राथमिकता है कि महिलाओं को राजनीति में 50% तक प्रतिनिधित्व मिले, और यही नीति उनके द्वारा पार्टी संगठन में अपनाई जा रही है। महिलाओं को 50% भागीदारी राजनीति में मिले उसके लिए प्रयास पार्टी का रहा, दुष्यंत जी का रहा, और बिल भी लेकर के आए हैं, और उसी नज़रिए से हमारी पार्टी के अंदर जहां तक महिला पदाधिकारी है वो दूसरी पार्टियों से ज़्यादा भी हैं, और हमारा प्रयास भी रहता है कि महिला शक्ति को आगे बढ़ाएं, उनको ज़्यादा मौके दें ताकि वो महिलाओं के प्रति जितने भी कोई मामले होते हैं उनमें काम कर सकें, महिलाओं की सेवा कर सकें, उनको न्याय दिलवा सकें, इस तरीके का हमारा प्रयास। चौधरी देवीलाल अपने जीवन में हमेशा किसान और कमेरे की बात करते थे, उनके लिए कानून बनाते, जन कल्याणकारी योजनाएं बनाते थे। जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह ने ये भी बताया कि 11 से 12 सेल्स का निर्माण पार्टी संगठन में किया जा रहा है, किसान मजदूरों की सहभागिता पार्टी में हो इसके लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। जिस तरह पार्टी बनी थी तब कुछ जल्दबाजी थी, लेकिन ये बेहतर अवसर है जिसे ध्यान में रखते हुए मजबूती में चौधरी देवी लाल की विचारधारा के अनुसार संगठन का निर्माण कार्य किया जा रहा है। प्रथम तहलका के लिए टोहाना से नवल सिंह की रिपोर्ट।